आसमान से टूटी आफत ने धराशायी कर दिया एक आशियाना और कैसे देवभूमि इंद्रदेव के इस कहर से कड़ा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिन पहाड़ों पर भारी है, आसमान से बादल बरसते रहेंगे। मूसलाधार बूंदों में डूबे शहर, सैलाब के समंदर में डूबे घर बार, बूंद बूंद बरसती आफत, आसमानी कहर से धराशायी आशियाना, लहरों का कहर, बारिश की बूंदों की ये ताकत देखिए, 3 मंजिला इमारत को भी धूल चटा दी और लोगों की जिंदगी आफत में ला दी। दिल्ली के करोल बाग में आर्य समाज मंदिर रोड पर बनी ये 3 मंजिला इमारत मूसलाधार बारिश के बाद भरभराकर गिर पड़ी। गुरुवार शाम 6 बजे हुए इस हादसे में कई लोग इमारत के मलबे में दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मलबा हटाने की कवायद चल रही है, जो फायर है उसका साफ तौर पे यही कहना है कि मलबा हटने के बाद ही सही मायने में साफ हो पाएगा, लेकिन 3 लोग जो थे जिसमें एक महिला है वो उन्हें चोटें आई हैं। फिलहाल लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है और बताया ये जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और बारिश की का मौसम है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इमारत जो है उसका एक हिस्सा गिर गया हो। आसमानी आफत ने उत्तराखंड में भी जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में जहां जिंदगी पहले से ही मुश्किल होती है, वहां मूसलाधार बारिश ने हालात और खराब कर दिए हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के 80 गंगा घाट की हैं, जहां बाढ़ से उफनती नदी को पार करने के लिए इसी तरह जान की बाजी लगानी पड़ रही है। यहाँ के कफलों गाँव में बादल फटने से सारे पुल तबाह हो चुके हैं। बादल फटने से करीब 800 मीटर लंबी चौड़ी खाई बन गई है, जिससे गंगा घाटी को जोड़ने वाला एकमात्र संगम चट्टी मोटर मार्ग भी ध्वस्त हो गया है। घाटी के 7 गांव का पूरी तरह से संपर्क कट गया है। पूरे उत्तराखंड में जीवन देने वाला पानी इसी तरह लोगों की जिंदगी के लिए अब खतरा बन गया है। उत्तराखंड में लहरों का कहर, मौत का सैलाब नजर आने लगा है। काला ढूंगी में लहरों से उलझा ये युवक आखिरकार बाइक समेत इस नाले में बह गया। हालांकि इलाके के लोगों ने इसे बचा लिया। इन तस्वीरों से उत्तराखंड के हालात को समझा जा सकता है और उस खतरे को भी, जिसका अंदेशा मौसम विभाग अभी आगे भी जता रहा है। 40 घंटे इसमें आप देखेंगे कि हैवी से वेरी हैवी रेन भी जो है आइसोलेटेड पूरे स्टेट में मिलेगी, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में आप कह सकते हैं कि 1 से 2 जगहों में हैवी से वेरी हैवी रेन सभी को सभी डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब। हाँ, जहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो दिखा रहा, जो प्रेडिक्शन है वो दिखा रहा कि जो है जो नैनीताल या अल्मोड़ा या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है उसमें ज़्यादा है। इसके साथ साथ हरिद्वार और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में रेनफॉल एक्टिविटी और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसमें ज़्यादा है। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक पानी के आगे बेबस हैं बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंचे ऊंचे पहाड़। जिस सावन पर रूमानियत और कुदरत की खूबसूरती के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, वो सावन इस बार कहर बनकर टूट रहा है। आज तक ब्यूरो। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।